फोकट में कोई काम आया तो नहीं तो यहाँ पर लगा दिया। हाँ अभी तो टोर फोर करी ओवर ब्रिज बना दे की के हटा दीस। हाँ। अब हटाए के बाद में फिर जगह है कि फिर आके बसे। हाँ। फिर टोर फोर कर दीस। हाँ। काम किए उसके बाद नगर निगम प्रशासन आया तब धमकी उमकी दी हटाए सामान वामान जब्ती बनाने लगे। तो का एक विशेष समुदाय के ये सरकारी जमीन है उनके मन के पास बहुत ही है और हिंदू समाज के नो है जिन रहते दिनकर के निर्माण यही लंग कर दो करोड़ों रुपए के जमीन में तो मंदिर मंदिर पर तुमका जगह नहीं दिखा मंदिर बना ही तो 50 लोग विरोध में आ जाते प्रशासन अनुशासन और विशेष समुदाय पर नहीं आए। ये ऐसे अवैध निर्माणों को पूरा सर्व समाज जो है ये से बर्दाश्त नहीं करेगा। खंडर रूपा जो स्ट्रक्चर है इसके एरिया को छोड़ा गया है मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इसको शह दे रहा है। ये तो समझ से परे है क्योंकि ये प्रशासन का एक सपोर्ट भी लगता है। यहाँ पे देखिए माननीय मोतीलाल वोरा जी का एक बोर्ड लगा हुआ। गरीब हिंदू भाई रहता था छोटा सा दुकान करता था बेकब्जा हमारी है प्रशासन ने हमको दे दिया है कि ऐसे एक लोहार भाई को भगा दिया गया। लो जी आज जैसे बोलते थे भूमि जिहाद चल रहा है कब्जा बना रहे हैं उसी विषय पे हम लोग। अब यहाँ पे एक मंदिर था जो मंदिर को हटा दिया गया था। नमस्कार आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम जो है दुर्गा के जेल चौराहा के पास है जहाँ पर अवैध निर्माण को लेते हुए जो है बहुत भर यहाँ पर जो बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर आक्रोश किया जा रहा है जिसके चलते इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए आए हैं। लेकिन इस निर्माण को अवैध इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पूर्व यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। यहाँ से उन लोगों को यह कहकर हटा दिया गया था कि जो सरकारी रोड के बीच में आप आ गए हैं तो उनको कहीं और व्यवस्था कर दिया गया था। लेकिन वहीं उसी स्थान पर इनके बताए मुताबिक उसी स्थान पर जो है मजार का निर्माण किया जा रहा है जिस पर जो है पहले जो यहाँ रह रहे थे वो और यहाँ पर उसके साथ देने के लिए बजरंग दल के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे चर्चा करते हैं। जी आपका परिचय बताएंगे। नाम आपका नाम क्या है? सीता विश्वकर्मा। सीता जी ये कौन से जगह जिक्र खड़े हैं सभी? ये उतैना का थगड़ा बांध। हाँ हाँ मजार के सामने यहाँ हमारा दुकान था। दुकान रही पे काचिस के लोहार दुकान तो काचिस पर हटा दे रही। अभी तो टोर फोर करी ओवर ब्रिज बना थे की के हटा दीस। हाँ। अब हटाए के बाद में फिर जगह है की फिर आके बसे। हाँ। फिर टोर फोर कर दीस। हाँ। फिर तार घेरवा दीस। कौन घेरवाई से मैडम? कौन घेर से? अब देख सुन के अब नगर पालिका मन देख के गी से वही मन है घेरवा दीस। अरुण बोरा भी आ रही से वो बोले नहीं रही समाल देख दुखा गी तार ला घेरवा दीस। अच्छा अरुण बोरा के द्वारा घेरवा गई से कहा? हाँ अरुण बोरा अब कौन घेरवाई से अब देखे ला रही से जैसे गाड़ी माथे देख सुन के जाते ओकर बाद में फिर एक हफ्ते बाद में तार लग गए। कते साल से रहा था तुम्हारी जगह में? यहाँ मल्ला 20-25 साल से 30 साल हो गए। 30 साल से 30 साल हो गए जगह में। कते दिन हटा दे तुम मल्ला? अब ये 11-12 साल तो हो गए हटे यहाँ। 2012 नहा की सब तो जनवरी लगी 13 लगे रही सब हार बसे रही सब वो पार बसे रही पूरा ये मेरे मोहल्ला रही से गरेज वाले ये सब ये मन है हम मन है सब। जी आइए। नहीं जी आप यही रहते थे? अच्छा ये आपकी धर्म पत्नी है जो पूरी बात बता रही वो सही है? अच्छा जी यहाँ पर एक और है उनसे जानते हैं। जी भी आपका नाम क्या है? नरेंद्र चौहान। नरेंद्र आपका कौन सा दुकान था भैया यहाँ पर? मेरा दुकान वो हनुमान मंदिर बना है वहाँ पे था। वहाँ पर था वहाँ से तोड़ने के बाद ये हुआ कि चलो यहाँ जगह खाली है यहाँ काम किया जाएगा। एक आध महीना काम किए उसके बाद नगर निगम प्रशासन आया सब धमकी उमकी दिए हटाए सामान वामान जब्ती बनाने लगे तो हम लोग हटा लिए। तो यहाँ पर फिर जो निर्माण हो रहा था वहाँ पर आप कब से थे? यहाँ निर्माण हम लोग यहाँ से 90 से हम लोग 90 से हैं। अच्छा लंबे समय से हैं आप लोग यहाँ पर हैं। क्या बोल के हटाया गया था? यहाँ हटाया गया ब्रिज बन रहा है ब्रिज के लिए फिर बाद में दुकानें बनेगी तो दुकान आप लोग को अलर्ट किया जाएगा। हाँ। अभी तक तो ना दुकान बनी ना कोई अलर्ट हुआ। तो यहाँ लगभग सारे लोगों को हटा दिया गया? जी जी मतलब यहाँ पर कुछ भी निर्माण नहीं रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ के रहने वाले को जगह दे दिया गया था? मकान दिया गया था। मकान दिया गया था। तो यहाँ पर किस तरह से निर्माण हो रहा है अभी आपकी नजर में? अभी तो कोई निर्माण नहीं हो रहा है अभी तो मजार का रिपेयरिंग चल रहा है और हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं रोड पे ही अभी। अच्छा चलिए ठीक है। जंग कोई काम आया तो नहीं तो यहाँ पर लगा दिया। हाँ ये जो लगा नहीं था ये वाला ना ये बाद में पड़ रहा है ना इधर। हाँ, हाँ, कोई काम का नहीं है। हाँ, अब वो लोग नए वाले अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं उस सामान को इधर मतलब लगा दिया कोई बैठे मत यहाँ पर। मैं भी काम कर रहा था यहीं पर मान लोगों। गार्डन
आइए बजरंग दल के कार्यकर्ता से यहाँ पर बात करते हैं। राजीव लोचन जी यहाँ पर मौजूद है। जी रामलोचन जी, बताएंगे यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों का जो मजार को लेकर काफी कुछ बातें हो रही है, क्या है पूरी बात? ले हमें देखे में मिला थे कि दुर्ग के ये ठगड़ा बांध के जगह जिन करोड़ों रुपए के जमीन है, इलंग हमारे बहुत अकन छत्तीसगढ़िया भाई हिंदू भाई मन रहते हैं, ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण ये जगह मल्ला हटाए गई। आगू में बहुत बड़े पुराना प्राचीन काल के मंदिर रही से, वो मंदिरों ला भी तोड़ दिए गई। जब ओवर ब्रिज के ऊपर ले निर्माण होते ओला तोड़े गई, तो ये लंग छोटा जन एक ठोक बने हुए हैं, एक विशेष समुदाय के छोटा सा एक चबूतरा बना के रखे है, ओला तोड़ दिए रही थी, तो मंदिर पर इनका लंग जगह नहीं है। आज हम देखो कि आदरणीय सांसद श्री मोतीलाल बोरा जी के द्वारा स्वीकृत की के अरबों रुपए के जमीन ले लंग दे दिए गए, घेर लिए है, तो का एक विशेष समुदाय के ये सरकारी जमीन है उनके मन के पास बहुती है, और हिंदू समाज के नो है जिन रहते दिनकर। तो वहाँ पर स्वर्गीय मोतीलाल बोरा का जो है स्वीकृति प्राप्त ऐसा लिखा हुआ बोर्ड में। हमला यही बात के टेंशन है कि प्रशासन और शासन है एक विशेष समुदाय ला सह लेके पूरा जमीन ला उन्हीं का दान दे पड़े है। हिंदू समाज जेने लंग पहली ले रहत रिसे तेन जेन रोजी रोटी कमाते तेन उनको तो कुछ होना चाहिए, उनको पता मिलना चाहिए, और नहीं तो मंदिर के निर्माण यही लंग कर दो करोड़ रुपए के जमीन में, तो मंदिर मंदिर पर तुमका जगह नहीं दिखा, मंदिर बना ही तो 50 लोग विरोध में आ जाते, प्रशासन और शासन और विशेष समुदाय पर नहीं आए। ये विशेष समुदाय आपका छूट दे के कारण का है, ये खाली आज हमन के एक निरीक्षण करने के काम रही से, एक आंदोलन नहीं है। अगर प्रशासन शासन दोनों नहीं जागी और एला नहीं हटाही, एलंग लेकर लोहा के ताम चप्पल नहीं हटी, तो बजरंग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़े उग्र आंदोलन करी और एलंग नहीं रहने दे, कोई भी हाल में नहीं रहने दे। आज मोरोलंग घर नहीं है, मैं हूँ किराया के घर में रहता हूँ, तो मैं ये सोच हूँ आके मैं एलंग घर बना के रही हूँ। जब शासन प्रशासन अच्छा सह करते माहौल दे दे एक घर बनाए पर जगह महू ले लू, ये आज 20,000 स्क्वायर फीट जमीन में इमल कब्जा देके बैठ गए है, ये कब्जा करके धीरे धीरे बड़े निर्माण हुई, निर्माण होने के बाद कहाँ ले आदमी आई कौन आई कोई पता नहीं है, कई टोक जिहादी मानसिकता ही रोंगिया ले आई पाकिस्तान ले आई बांग्लादेश ले आई कहाँ ले आई तेकर तो कोई रोक टोक नहीं है। आज प्रशासन एक आधार कार्ड के कबू चेक नहीं करे कि कौन कहाँ ले आए है, आके बसे भरे पड़े है और आके इसने बसी। आपको जानकारी कब हुआ? हमला जानकारी कल हुई से कि निर्माण जन झोपड़ी रूपा रही से तेल तोड़ तार के लेंटर नुमा निर्माण किए जाते और लोहा से चारों तरफ बैन कर दिए गए। प्रशासनिक कर्मचारी क्या बोले जब आप उनसे चर्चा किए? तो प्रशासनिक कर्मचारी से भी हमारी चर्चा नहीं हुई है, हम खाली निरीक्षण करने भी आए हुए हैं, इसके बाद हम एक नोटिस लेके जाएंगे और जाके अपनी जानकारी लेंगे कि क्या है। अगर प्रशासन इस पर जगती है तो अच्छी बात है, शासन प्रशासन नहीं जागती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस पर उग्र आंदोलन लेगा। आइए यहाँ पर जो है आपने रामलोचन जी को सुने, यहाँ पर जो जो विश्व हिंदू परिषद के जो सीनियर है पुराने जिला अध्यक्ष उनसे बात करते हैं। जी अभी किस तरह से आप लोग के द्वारा यहाँ पर जो है मौके पर पहुँचा गया जहाँ पर मजार का निर्माण हो रहा है, आप इसको किस तरह से इसको अवैध करार देते? तो अवैध है, ये सीधा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है सड़क के किनारे इस तरह से अगर कोई भी निर्माण है तो वो अवैध है, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, फैसले हैं उनके। और दूसरी चीज़ प्रशासन पहले खोजे, इनके तो कोई भी है वो उनके लिए कब्रिस्तान बना हुआ है, तो प्रशासन पहले इसमें तय करे कि इनका कब्र कब बना क्या बना, और कब्रिस्तान हमने किस लिए दिया गया है, बड़े बड़े शहर में कब्रिस्तान है, उन्हें वहाँ पहुँचाया जाए सुरक्षित रूप से। अभी यहाँ आप लोग का आने का यहाँ मुख्य वजह क्या? ये ऐसे अवैध निर्माणों को पूरा सर्व समाज जो है ये इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम आज प्रतिकार करने आए हैं, शासन प्रशासन को आपके माध्यम से ये संदेश देने के लिए आए हैं कि इस तरह से समाज में एक विरोध का स्वरूप न पैदा होने दिया जाए। तो आगामी दिनों में कुछ करने की तैयारी योजना चल रही है? अब आगामी दिनों में पहले देखेंगे जिला प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, उसके बाद विचार करेंगे सब लोगों के साथ मिल बैठ के कि अब हमें अगला कदम क्या करना चाहिए, पूरा समाज एक साथ करेगा। आपने कुछ समय पहले देखा भी होगा इसी तरीके से पूरा दुर्ग समाज खड़ा हुआ था और वक्फ बोर्ड के लिए कदम उठाया और वक्फ बोर्ड ने उसे सफलता मिली। ये सिर्फ मजार के लिए कि मंदिरों में भी जो रोड में जो मंदिर बनता है उसके लिए भी है? जो चीज सामने आएगी उसके अभी हम बात कर रहे हैं। जो चीज इस वक्त क्या नजर आई आपके सामने? जो चीज ये हम देख रहे हैं जिसको आप भी देख रहे हैं और ये तो हम आश्चर्य कर रहे हैं कि इसको वोरा जी ने कब स्वीकृत कर दिया। उसमें बकायदा लिखा हुआ मजार के बाजू में कि स्वर्गीय मोतीलाल बोरा द्वारा श्री मोतीलाल बोरा द्वारा स्वीकृत, इस बिल्कुल मजार के बाजू में वो लिखा लगा हुआ बकायदा ग्रीन कलर का जो है उसमें जाली लगी हुई है, जाली लगी हुई है, जाली लगी हुई है, न तो यहाँ कोई वृक्षारोपण दिख रहा है न कुछ दिख रहा है ना? तो ये कब्जा का वो पूरा दिख रहा है इस तरह से। तो मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आप भी डिनाई नहीं कर सकते, तो स्पष्ट दिख रहा है। देखिए देखिए सांसद मोतीलाल बोरा द्वारा स्वीकृत मजार से बिल्कुल लगे हुए चैनल पे लगाया गया है।
ये है वो मजार जिस पर जो है निर्माण हो रहा था, जिसको अतिक्रमण का स्थान बता के इसको हटाने के लिए यहाँ पर बजरंग दल के लोग पहुंचे हुए हैं। और आश्चर्य करने की बात यह है कि क्या सच्चाई है ये तो बाद में समझ आएगा। फिलहाल इस मजार से लगा हुआ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सांसद मोतीलाल वोरा द्वारा स्वीकृत यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके साथ पूरे जो जाली है ये बहुत दूर तक जा रहा है। इसे ये तो स्पष्ट हो गया कि इस जगह को किसी सरकारी कार्य के लिए इसको रोका गया था, लेकिन इस पर जो है निर्माण को लेकर, मैं मजार को लेकर नहीं बोल रही हूँ, जिस तरह से यहाँ पर जाली लगाए गए हैं उस पर ये संदेह उड़ता है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता और वहाँ के वरिष्ठों ने इस बात को माना है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है। मेरा नाम शंकर विश्वास है, मैं पद्मनामपुर के पास रहता हूँ। यहाँ क्या कुछ मामला पूरे विस्तार से बताएंगे? मामला ऐसा है कि सड़क किनारे में जब फ्लाईओवर बन रहा था तो यहाँ पे तमाम छोटे छोटे रोजी रोटी कमाने, जैसे किसी का गैरेज था, कोई ठेला लगा कुछ बेचता था, कोई गमला बेचता था, कोई और ऐसे, मतलब उन लोग अपना रोजी रोटी कमाते थे, उन सबको ये बोल के हटाया गया कि सड़क किनारे ये जो आपका निर्माण है सब अवैध कब्जे के तहत आता है, सब लोग हटा लिए गए। आप देखेंगे कि जो जाली लगी हुई है ये जाली मोतीलाल वोरा जी के अपना सांसद निधि से स्वीकृत हुआ था ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन ठगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण का जब दूसरा चरण चालू हुआ तो पहले चरण में जो जाली वगैरह लगा हुआ था उसको सबको हटाया गया, हटा के ला के यहाँ पे रोड के किनारे घेरा लगाया गया। लेकिन घेरा को भी आप देखो तो प्री प्लान के तहत लगाया गया है, ये जो खंडर रूमा एक स्ट्रक्चर है इसके एरिया को छोड़ा गया है, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इसको शह दे रहा है, अन्यथा की सूरत में उसी समय इसको हटाया जाता और इसको भी जाली घेरे के अंदर लिया जाता। आप देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि माननीय मोतीलाल वोरा जी द्वारा स्वीकृत, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को शह दे रहा है, अन्यथा की सूरत में छोटे छोटे ठेले खोमचे वाले वो हटाया जाता है सड़क से। क्या निगम प्रशासन इसको नहीं देख रहा है? क्या जिला प्रशासन इसको नहीं देख रहा है? क्यों इसके लिए आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ता है रहवासियों को यहाँ से? तो अभी आप लोग किस तरह से यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि शासन इस पर तुरंत संज्ञान ले और इसको तुरंत हटाए, अन्यथा की सूरत में क्षेत्रवासी बड़ा उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो। तो यहाँ पर सांसद का स्वीकृति मिला है तो इन लोगों का जो मन... सांसद का स्वीकृति वाला बोर्ड, जैसे मैं आपको भी बताया कि ये मोतीलाल वोरा जी के फंड से जो ठगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण के लिए अपना पैसा संक्षण हुआ था उस समय ये जाली ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि हम यहीं के लोग हैं और यहीं से गुजरते हैं। उन जालियों को जब सौंदर्यीकरण का दूसरा चरण चालू हुआ तो उसको हटाया गया, हाँ उसको हटा के सड़क किनारे लगाया गया। आप देखेंगे पुराने गैरेज वाले लोग कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ है, किसी को यहाँ पे नहीं बैठने दिया। उस जाली का इस्तेमाल यहाँ इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन आप देखो ना कि इस जगह को जानबूझ के छोड़ के बाकी जगह को घेरा गया है, मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इनको सह दिया है तभी हो रही है। तो इसको तुरंत हटाया जाए, अगर घेरना है तो पूरा घेरे, अन्यथा इसको तोड़े। और हम ये चाहते हैं कि नागरिकों को इसको तोड़ने के लिए मजबूर ना किया जाए, शासन प्रशासन तुरंत अपने दम पे हटाए इसको। कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे है मजार के रूप में जो है, उस स्ट्रक्चर पे पुनः फिर से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, जिसका आपत्ति ये है कि जब यहाँ रोड का चौड़ीकरण करने के लिए बात हुई, जब ओवर ब्रिज बन रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसायी लोग यहाँ पे कार्यरत थे, उन व्यवसायियों को यहाँ से तो हटा दिया जाता है, मगर ये स्ट्रक्चर जहाँ पे बना हुआ है इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे इसको हटाया नहीं गया। और जब अभी ये फिर ये अभी जो टूट गया है या खस करके बताते हुए अभी जो इसको पुनः निर्माण जो कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि शासन किस आधार पे इसको परमिशन दिया है और क्या इसकी वास्तविक स्थिति है। प्रशासन के किसी जानकारी दिए इतना बड़ा कदम तो लोग उठा नहीं सकते, निर्माण करना उन लोग भी तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ जानकारी दिए होंगे। ये तो समझ से परे है क्योंकि ये प्रशासन का एक सपोर्ट भी लगता है, जहाँ पे देखिए माननीय मोतीलाल वोरा जी का एक बोर्ड लगा हुआ है, इनका कहना है कि इसमें फंड इनको मिल रहा है, इसमें मिला है करके, तो हम चाहते हैं प्रशासन इसकी जानकारी दे और किस मद में ये पैसा मिला है उसकी जानकारी दे, क्योंकि जनता भी पूछती है कि ऐसे निर्माण से जब यहाँ शहर का वातावरण खराब हो रहा है, ये वातावरण भी ठीक होना चाहिए, अगर परमिशन मिला है तो अच्छे से बनाए, तो परमिशन किस मद में मिला है ये भी बताए, ये हम ये चाहते हैं। और ये शहर में जो वातावरण जो खराब हो रहा है या खराब होने की स्थिति बन रही है उस पर भी इस प्रकार का अंकुश लगना चाहिए, यही हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं। ये यहाँ पे खबर लगी कि अवैध निर्माण हो रहा है मस्जिद जो कि सरकारी जमीन पे है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी भी सरकारी जमीन में कोई भी धार्मिक कार्य का काम का ना तो मंदिर बनेगा, मजार बनेगा, ना मस्जिद बनेगा। इसमें हम इस ये चेताने आए हैं कि निगम शासन प्रशासन जागे और ये भूमि लौ लौजिया जैसे बोलते हैं, भूमि जिहाद चल रहा है।
इसमें कंट्रोल लैंड जिहाद तो इंग्लिश हो गया, हिंदी भूमि जिहाद जो चल रहा है सो बंद करा है। तो अगर नहीं कार्रवाई की जाएगी तो बजरंग दल विष्णु प्रसाद द्वारा अपने हिसाब से तो ये जो कार्य इन लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है निर्माण का कार्य किया बगैर प्रशासन को जानकारी दिए तो इन लोग कर नहीं रहेंगे, तो इसमें तो बड़ी लापरवाही जो प्रशासन किया जी है। प्रशासन को जगाने तो आए हम तो आज निरीक्षण करने, आज हमको खबर लगी पहले आज झोपड़ी था आज यहाँ आप लोग किस तरह की जानकारी लेना हम देखने आए हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखे कि श्री मोतीलाल वोरा जी द्वारा स्वीकृत लिखा है तो हम कल जाके कलेक्टर में देंगे ज्ञापन कि अवैध निर्माण तोड़े या बजरंग दल अपने हिसाब से कार्य करे। अच्छा, और इसकी सब जवाबदारी प्रशासन की होगी। अच्छा, जय श्री राम बोल। कैसे आ रहे हैं आप लोग यहाँ? दीदी जानते तो हैं, बताना क्या है, देख तो रहे हैं इतना बड़ा है ना भू पे जब्ती बना रहे हैं लोग, मतलब जमीन पे कब्जा बना रहे हैं, उसी विषय पे आए हम लोग। अब यहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर को हटा दिया गया, एक छोटे से लोहार थे है ना, वो बेचारे परेशान है, अभी आप लोग देखे भी होंगे दोनों पति पत्नी आए थे उनको ही भगा दिए हैं, और उसके बाद देख रहे हो आप धीरे धीरे बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, उस विषय पे आए हम लोग। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जाए प्रशासन तक, प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। आप बहुत सारी फोटो और भिजवाइए, हम खड़े हैं पूछ लीजिए। कल रात 12 बजे आपको उन्नीस मिनट में डिसाइड हुआ, उसके बाद हम लोग ये प्लान बनाए, कोई भी बता सकता है। ये है, हम नहीं चाह रहे कि बड़ा हो, बड़ा करें, क्योंकि एक मंदिर को जब हिंदू समाज के मंदिर को जो पुराना मंदिर था उसको हटाया जाता है वहाँ से, आप देखिए पहले क्या बना था, अब क्या कर रहे हैं, लिंटर निर्माण, 5,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा करके करोड़ों की जमीन को लेके भूखंड पर लैंड जिहाद किया जाएगा। हमको वो एसडीएम हमको आवेदन देगा, हम एसडीएम साहब को आवेदन देने भेजेंगे, हमारे हमारे टैक्स के पैसे से सरकार अपना पेमेंट लेती है, उनको अनुमोदन मिलता है, और हिंदू समाज जो बहुसंख्यक समाज है उसी का टैक्स मिलता है, उसके बाद एक विशेष समुदाय को ज्यादा सहाय देना ये प्रशासन की सोच अच्छी नहीं है।